नमस्कार दोस्तों, अनीताज कुक हाउस में आपका स्वागत है। आज मैं बच्चों की पसंद की रेसिपी लेकर आई हूँ। बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी, साथ साथ बड़े भी पसंद करेंगे। आप लोग एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना एकदम मत भूलिएगा। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू का नाश्ता बनाने के लिए मैंने ये चार आलू लिए हैं। ये कच्चा आलू है, अब इसको छील के तैयार कर लेते हैं। मैंने बड़े साइज के आलू लिए हैं, आप अगर छोटे साइज के लेंगे तो ज़्यादा आलू लेने पड़ेंगे, इसलिए बड़े लीजिए तो अच्छे टुकड़े कटेंगे। अब इनको पानी में डाल देंगे, नहीं आलू लाल पड़ जाएगा। इनको पानी में डुबो देते हैं। अब आलू छिल गए हैं, अब इनके टुकड़े काट लेते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा साइड का हटा देंगे, इसको और सब्जी में यूज कर लेंगे। इसको अब इस तरह टुकड़े काट लेने हैं इनके, देखिए। अब इसी तरह सारे काट लेंगे। अब इस तरह काट के तैयार कर लेते हैं। पानी में डालते जाएंगे जिससे आलू लाल ना हो। ये आलू को मैंने काट लिया है, अब इसको अच्छे से रगड़ के धुल लेंगे, इसका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। इसको थोड़ा ऐसे रगड़ रगड़ के दो तीन बार इसका पानी चेंज कर देना है, थोड़ा पानी ठंडा रहे उसी से धुल लीजिए इसको। अब इसको पानी गिरा देते हैं। मैंने इसको दो तीन बार पानी चेंज करके धुल लिया है, ये देखिए एकदम पानी साफ हो गया है, अब इसका स्टार्च निकल गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। ये भगोने में मैंने पहले पानी रख दिया था गैस में, गैस को हाई फ्लेम में कर दिया था। देखिए पानी में बॉयल आने लगा है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब इसमें आधा स्पून नमक डाल देंगे। अभी जो आलू है, आलू के टुकड़ों को इसी में डाल देते हैं। अभी सारे आलू के टुकड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब आलू इसी में पड़े रहेंगे 5 मिनट तक, उसके बाद निकालते हैं। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, 5 मिनट हो गए हैं। अभी आलू को देख लेते हैं, ये बॉयल पानी में डाल दीजिए तो ये थोड़ा थोड़ा पक जाता है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कुक हो गया है। अब आलू को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें इतना पानी डालना है कि आलू पूरी तरह डूब जाए, ये मैंने 4 ग्लास पानी नाप के डाला था। अब आलू के टुकड़ों को मैंने बाहर निकाल लिया है, अब ये गरम है, अब गरम में ही कुछ मसाले ऐड कर देंगे इसमें। पहले थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। नमक मैंने पहले डाला था, इसलिए नमक कम ही डालना है, टेस्ट के अनुसार ही डालिए। एक स्पून चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। ये 2-3 पिंच हींग डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें कोटिंग के लिए ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो इसकी जगह आप चावल का आटा या पोहा को पीस करके उसका पाउडर डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून ये बेसन डाल देते हैं।
इसको ज़्यादा नहीं डालना है, खाली इसकी कोटिंग करनी है, उतना ही डालना है, दोनों चीज़ एक एक स्पून डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, आलू में अच्छे से लिपट जाए। बेसन और कॉर्नफ्लोर जो मैंने डाला है ना, इससे अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे ये, बच्चों को तो बहुत पसंद रहते हैं, बड़े भी इसको पसंद करेंगे, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें अच्छे से लिपट गया है सारा सामान। अब चलते हैं गैस की तरफ। ये कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया था, ये गर्म हो गया है। देखिए गैस को मैंने मीडियम हाई फ्लेम में रखा था। अब इसमें इन आलूओं को डालते हैं। एक बार में जितने आ जाएं उतने ही डालने हैं। तो देखिए एक दूसरे में ये जुड़ेंगे नहीं, बड़े अच्छे से खिले खिले बनेंगे। और इनको अच्छे चलाते रहिए। अब देखिए कलर अच्छा आ गया है, ये पक गए हैं। अब इनको बाहर निकालते हैं। देखिए अच्छा कलर आया है। अब इसी तरह सारे निकाल लेने हैं। अब इसी तरह दूसरे डाल देना है। अब ये सारे आलू के बाइट्स मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अब इसमें कुछ मसाला ऐड कर लेते हैं। ये 1/4 स्पून काली मिर्च डाल देंगे, 1/4 स्पून चाट मसाला डाल देंगे। बस दो ही चीज़ डालनी है, और मसाले मैंने पहले ऐड कर दिए थे। इसको अच्छे मिक्स कर देना है। अब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इनको सर्व कर लेते हैं। अब ये सारे पोटैटो बाइट्स बनके तैयार हैं। आप लोग भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। बच्चे तो बहुत ही पसंद करेंगे, जब भी बच्चे जिद करें तभी तुरंत बना लीजिए, बहुत कम सामग्री से बन जाते हैं। अब मैं इनको टोमेटो सॉस और मेयोनीज से सर्व करूंगी, बहुत टेस्टी लगेंगे। अब इनको इसी में डिप करके खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए आप लोग ज़रूर बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि पोटैटो बाइट्स कैसे बने थे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना एकदम मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।